वंचित बहुजन अघाड़ी पक्ष ने धन सांबंगी तहसील कार्यालय में धरना दिया। इस दौरान वंचित बहुजन अघाड़ी पक्ष ने अपनी मांगों को लेकर तहसीलदार संदीप मोरे को ज्ञापन सौंपा। पक्ष का कहना है कि किसानों का कपास प्रति क्विंटल 12,000 भाव का भुगतान, बरसात सूखे के दौरान अनुदान, किसानों का बिजली बिल बंद करने और फसल बीमा किसानों के खाते में डाले जाने की मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। किसानों की जो क्या लाइट है वो लाइट भी कट करवाई दी। उसके बाद में जो अपना प्रधानमंत्री फसल आवास योजना रहती है उसके भी बहुत सारे ऐसे क्लेम थे, उन क्लेमों के ऊपर भी इन शासनकर्ताओं ने कुछ भी नहीं, उनकी जो फसल का बीमा है आज तक मंजूर हुआ नहीं है और किसी किसानों के खाते पे जमा नहीं हुआ है। तो हम उसके बाद में जो घरेलू और जो फसल अपनी खेती की जो लाइट बिल है वो पूरी तरह माफ होना चाहिए। उसके बाद में जो बीमे की रकम है वो भी जल्दी से जल्दी किसानों के खाते के ऊपर अदा की नहीं चाहिए।